सर आइए, आप इसी में हैं, वकील साहब के साथ हैं, वकील साहब के साथ अजी जायसवाल जी के साथ है। हाँ बिल्कुल जायसवाल जी के साथ है। ये क्या चक्कर है, अगल बगल ऑफिस खोल के बैठे हो, कोई तकरार नहीं होता? नहीं कोई तकरार नहीं होता, उनका वो है हमारा ये है, कोई तकरार नहीं होता। दोनों में कार्यकर्ता आते हैं? हाँ आते, कार्यकर्ता तो आते हैं। अरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो तो गर्मा गर्मी नारा वारा नहीं? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ठंडा है पूरा रामटेक, रामटेक पूरा ठंडा है। एक यो बागी बन गया यार। हाँ बागी बन गया, 6 साल के लिए निष्कृष कर दिए उनको, निकाल दिया कांग्रेस। हाँ कांग्रेस से निकाल दिए। इनका वोट है? हाँ ये बाहर की पार्सल है। हा? बाहर की पार्सल है। बाहर की पार्सल? बाहर की पार्सल है वो, उमरेट का आदमी है, रामटेक में लड़ रहा वो। और वो टाच वाले? वो रामटेक सपुत्र है। वो टाच वाले? हाँ रामटेक सपुत्र है। और जिसको उद्धव ठाकरे से मिला वो भी नागपुर का जो है। और ये जायसवाल जी? जायसवाल जी स्थायी गए, स्थायी गए, सुपुत्र रामटेक सुपुत्र। तो वो अगर उनको मिला होता रामटेक सुपुत्र को? हे भूमि पुत्र, रामटेक भूमि पुत्र। कौन जीतेगा? साहब जीतेंगे हमारे, आशीष जी जायसवाल। खर्चा उर्चा करते हैं? हाँ अच्छा, नहीं खर्चा करते, खिलाते पिलाते सबको। अब जरा बगल वाली सीट इधर चलते हैं, ये देखिए राजेंद्र मुलक। अरे काका आप कांग्रेस पार्टी के हो? मैं कौन सी पार्टी का रहूं, तुमको जो बोलना है वो बोलो, कांग्रेस करो, बीजेपी करो, नहीं हैदराबाद करो। ये अहमदार अपना काय सिखा क्यों रहे हो? देखो नहीं, वो बात बोल रहे, बोलो सच बोल रहे। ये देखो बाबा जी आदमी का गलत बोलना रहा था, सिंबल मत दिखाओ। ये आप इनके ऑफिस में बैठे हो, राजेंद्र मुलक के? मैं दोनों ऑफिस में बैठता हूँ, क्योंकि ये बस्ती का आदमी हुई, बस्ती का आदमी हुई, सबको अपने को इनको दोनों को देख के यहाँ बैठना पड़ता है, ना इनको भी देख के बैठे ना इनको भी देख के बैठे, मगर हम आशीष जायसवाल के आदमी हैं, समझे? उन्होंने बहुत बड़ा काम किया 2.5 बरस में, वो पहले खड़े थे 4 बार 3 बार चुन के आए, तो वो उनकी पार्टी नहीं बैठी थी, ये बीजेपी में गए, जब से इन्हें 2.5 बरस में बहुत काम किए वकील साहब ने। किसकी सरकार महाराष्ट्र में आएगी? अब ये दोनों की फाइट चलेंगी, कौन आएंगी ये नहीं बता सकती, किसकी इनकी और इनकी, ये नहीं बता सकता कौन आएंगी क्या आएंगी। और उद्धव ठाकरे वाले जो कैंडिडेट है? हाँ जो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट है उनका, वो मेरे को नहीं मालूम, मैं गावरानी आदमी अंगठा बहादुर, जो बात मालूम है बात बोलता हूँ मैं। सही सही चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। रामटेक से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विशाल बरबटे हैं, जो कि शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे गुट से है। तो मामला ये है कि यहाँ पर आशीष जायसवाल इंडिपेंडेंट विधायक जीते थे और उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर ली, और राजेंद्र मुलक यहाँ से राज्य मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, और उन्होंने बगावत कर दी। राजेंद्र मुलक जिनका मैंने आपको वो दिखाया, पार्टी उनका दफ्तर बगल में है, और एक कांग्रेस के और नेता थे उन्होंने भी बगावत कर दी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका क्या नाम? राधेश्याम हटवार, जिला संगठक उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना, राधेश्याम हटवार जिला संगठक। मैं समझ गया। तो राधेश्याम जी मैं आया रामटेक, तो यहाँ तो मामला ऐसा उलझा हुआ बहुत जगह महाराष्ट्र में कि महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जहाँ पर है वहाँ पर कांग्रेस के बागी लड़ रहे हैं, कहीं कहीं जहाँ युति के कैंडिडेट हैं वहाँ बीजेपी के बागी, तो इतने बागी लड़ रहे हैं। यही देखिए अब कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ गए जो मंत्री भी रहे। हाँ जी, तो आप लोगों के लिए लड़ाई कितना कठिन? हमारे लिए लड़ाई कठिन नहीं है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति की महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है, बागी उम्मीदवार जो हैं जिनकी अपेक्षा ज़्यादा रहती है, लेकिन पार्टी जो है जिसको टिकट देती है प्रबल दावेदार वही होता है, पार्टी सब प्रकार की सब प्रकार से देखकर टिकट देती है उम्मीदवार को, और ऐसे इसमें विशाल बरबटे जी को उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना की टिकट मिली हुई है, यहाँ कांग्रेस के कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार इनकी टिकटें हैं,
और इनके साथ में महाविकास आघाड़ी की टिकट विशाल जी बरबटे, जिनको मशाल चिन्ह मिला हुआ है। उद्धव जी ने 32 लड़ाई में है, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो बागी है वही ज्यादा लड़ाई में। लड़ाई में विशाल जी है क्योंकि कांग्रेस साथ में है। कांग्रेस के नेता इधर उधर भटके होंगे लेकिन जनाधार जो है कांग्रेस का, उनको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है महाराष्ट्र में जरूरी है। महायुति की सरकार ने जो 2.5 साल में कार्य प्रणाली जो बताई हुई है और पक्ष फोड़ के, बाकी सब पक्ष फोड़ के महाराष्ट्र की कार्य प्रणाली पे, महाराष्ट्र की संस्कारों पे कलंक लगाया हुआ है। इसीलिए आप जनता आघाड़ी की सरकार चाहती है। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा विधानसभा की सीटें ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों में आती है, जैसा हर जगह है। तो अभी लोकसभा के चुनाव का जो मूड मिजाज था महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पक्ष में गया, लेकिन विधानसभा का चुनाव उसी तर्ज पर है या नहीं, ये जानने के लिए मैं अलग अलग इलाकों में जाता रहता हूँ। और काका, क्या नाम है आपका? मैं तो हमरा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, यहाँ पे पागा मिजवान। हमरा डिस्ट्रिक्ट कैसी डिस्ट्रिक्ट के हो? अमरावती के हूँ। अमरावती के? हाँ अमरावती। मैं भी गया था अमरावती। हाँ, क्या है माहौल अमरावती का? मैं अभी 8 दिन से परेशानी में, दवाखाने में भू है तो मैं तो गाँव के इधर के हाल देखा नहीं। मैंने दवाखाने में आज ही है गाँव, दवाखाने में बहुत पेशेंट भर्ती थी। अब ठीक है? अब ठीक है, इसलिए मैं अभी आज ही अभी आया, 4:30 बजे अभी सोया था। तो देखिए घर में कोई, अब ठीक है ना? चलो ठीक, तो बीमार था कोई। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा उर्मिला वैश। हाँ उर्मिला वैश। आप क्या करती है? मेरा सब्जी बाड़ी का धंधा है। सब्जी बाड़ी? हाँ। धंधा ठीक चल रहा है? हाँ। सब्जी तो बहुत महंगी हो रही। महंगी तो है फिर भी हो रहा है, प्रभु की कृपा है। वो लड़की बहना योजना का पैसा मिला? नहीं वो मैंने भरा नहीं। क्यों नहीं भरा? क्योंकि मेरा नहीं चलता ना, इसीलिए मेरा नहीं भरना था। मुझे पैसे मिलते हैं ना, इसीलिए मुझे पैसे मिलते हैं, इसीलिए नहीं भरा। कहाँ पैसे मिलते हैं? मेरे सरकारी योजना चालू है उसमें पैसे मिलते, तो मैंने ये वाली योजना का लाभ नहीं उठाया। तो एक बात बताइए, ये जो लड़की बहना योजना का पैसा लोगों को मिल रहा है, महिलाओं को, तो क्या उसके बारे में उनका विचार क्या है? विचार तो बहुत सही है, सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो जितने लोगों को मिल रहा है वो उसी सरकार को वोट भी करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, करना तो सही है। करेंगे? हाँ। और आप क्या चाहती, सरकार किसकी बने? सरकार अपने देश की बने। अपने देश की? हाँ। तो अपने ही देश की तो बनती है? नहीं, देश के लिए अच्छी सरकार चाहिए ना। तो जो सरकार अभी आने वाली वो अच्छे से आ जाए। कौन सी अच्छी है? अपनी मोदी सरकार आ जाए, वही देश के लिए अच्छी है। हाँ। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने सभी को सुविधा तो दी है, ऐसा कुछ भी नहीं कि सुविधा नहीं दी, पहले भी अच्छा कर रही थी और अभी भी अच्छा किया है। तो रामटेक क्यों हार गया? रामटेक में कुछ काम से आई थी मेरे मामा के इधर, मैं नागपुर में रहती हूँ, यहाँ नहीं रहती, मेरा ना यहाँ पे मामा के इधर आई थी मैं। अच्छा, वो नितिन गडकरी ने अच्छा काम करा नागपुर में? हाँ वो तो किया है। चलिए कोई बात नहीं, आपने बात की।